हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। जैसा कि आप सबों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने डेली प्रैक्टिस सीरीज चालू किया है, जिसमें कि हर एक पार्ट को चुनकर डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सीरीज टाइमर के साथ करवाया जाता है। जितना रियल टाइम टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में, उसी हिसाब से आपको टाइम देके प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन हिट कर ले, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ये तीनों पार्ट के वीडियोज डाल चुके हैं, और आज हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट को देखने वाले हैं। इस पर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट की बात करें तो आपको वहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 25 क्वेश्चन में से आपको 10 मिनट टाइम दिए जाएंगे। इस 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 24 सेकेंड हो गया। एक क्वेश्चन में आपको 24 सेकेंड दिए जाएंगे एग्जाम में। तो इस हिसाब से हम लोग आज का जो टाइमर सेट करेंगे वो 20 सेकेंड का करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका अलग लेवल का प्रेशर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 सेकेंड कम कर देंगे, ताकि आप एग्जाम को प्रेशर को हैंडल करते हुए वहाँ पे 24 सेकेंड में आराम से कर पाएं। तो आज का टाइमर हमारा 20 सेकेंड का होगा, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बता देते हैं कि इंस्ट्रक्शन में कैसे क्या करना होता है। तो देखिए, ये हमारा टेबल 1 और टेबल 2, ये दोनों आपका गिवन क्वेश्चन में रहेगा, और इस टेबल 1 को देख के हम लोगों को प्रोसेस करना है सेम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल बने रहेंगे, और उसके डिजिट को यूज करना है। तो चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। तो ये हमारा, इसको हम लोग प्रोसेस करना है, इसको बोलते हैं इनपुट। तो इस इनपुट का जो ट्राइंगल है उसको हम लोग यहाँ वैल्यू देखना है। देखिए, यहाँ पे इस इनपुट का ट्राइंगल का वैल्यू हमारा 12 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 12 है। अब देखिए, यहाँ पे x है, बीच में कोई गैप है, x है, इसी तरह प्रोसेसिंग होते जा रहा है। तो जो जो गैप वाला पार्ट है उसको छोड़ देना है, और जो जो जहाँ जहाँ x लिखा है उसको प्रोसेसिंग करते जाना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम होगा वो ऐसे होगा, पहले आपको ऐसे प्रोसेसिंग करना है, फिर ऊपर से, फिर नीचे, फिर इसी तरह ऐसे प्रोसेसिंग करना है। तो जो जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं -1, +2, -3, उसी जगह पे वही ऑपरेशन लागू करना है। फॉर एग्जाम्पल 12, तो यहाँ पे क्या है -1, 12 -1 यहाँ पे हो गया 11, फिर यहाँ पे क्या है +2। तो हम लोग यहाँ +2 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 11 -3 करेंगे हम लोग, 11 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 आ गया फिर से। फिर हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में आगे बढ़ेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम लोग x नजर आ रहा है, और इस x का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट +2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। यहाँ पे गैप है, तो फिर यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं करना, छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे गैप है, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आना है, तो 13 इस पोजीशन पे यहाँ पे -2 है, देखिए -2, यानी कि 13 -2 यहाँ पे 11 हो गया। फिर 11 + 3, तो यहाँ पे 14 हो गया। अब हम लोग लास्ट बॉक्स में आएंगे, तो देखिए यहाँ 14, यहाँ -2, यहाँ -3, तो 14 - 2 करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और फिर -3 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और लास्ट वाले पार्ट में +1 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 10 आ गया तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को थोड़ा सा चेक कर लेना इस बॉक्स पे कि 10 वाला पार्ट पे क्या है। देखिए, 10 वाले पार्ट पे क्या है, ये हमारा बड़ा वाला शेडेड सर्कल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देख लेना है कि ये वाला पार्ट ऑप्शन में कहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन में 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को खुद से टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे देखिए इनपुट हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर कौन सा है, 8,
एट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, एट। अब इसी तरह से प्रोसेसिंग करते जाना, क्योंकि ये वाला बॉक्स एम्प्टी है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला बॉक्स में प्लस टू है, यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, प्लस टू है तो यहाँ पे प्लस टू कर देना है, एट प्लस टू टेन। फिर यहाँ पे देखिए माइनस थ्री है तो टेन माइनस थ्री सेवन। फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, प्लस टू प्लस थ्री, इसी तरह से सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व। फिर यहाँ पे माइनस वन, ट्वेल्व माइनस वन इलेवन। फिर यहाँ पे देखिए प्लस वन, तो इलेवन प्लस वन ट्वेल्व। इस पोजीशन पे खाली है, यानी कि ये वाला ऑपरेशन माइनस टू का नहीं करना है। फिर यहाँ पे प्लस थ्री, तो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन। फिर यहाँ पे आते हैं फिफ्टीन माइनस टू, तो फिफ्टीन माइनस टू थर्टीन। फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिर से टेन आ गया। और टेन के जगह पे क्या है, देखिए शेडेड वाला सर्कल है, यानी कि ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे शेडेड वाला सर्कल है, तो ऑप्शन थ्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओ कुछ दोस्तों कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन वन हमारा सही आंसर है, यानी कि यहाँ पे आपका नाइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे नाइन आएगा। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ी हुआ है, फिर से एक बार चेक करते हैं। गड़बड़ी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, बस ये जो सिलेक्शन करने में हुआ है, वो सिलेक्शन करने में गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि ये छोटा वाला बॉक्स है, ये छोटा वाला स्क्वायर है, तो चूंकि ये छोटा वाला स्क्वायर है तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेवन हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू सेवन हो जाएगा। तो इस सेवन के बेसिस पर यहाँ पे हमारा टेन के जगह पे नाइन आ जाएगा, तो ऑप्शन वन हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे, इसीलिए आप लोगों को बहुत गौर से ध्यान देना है ये छोटे वाले स्क्वायर और बड़े वाले स्क्वायर में, ठीक है, फिर उसी तरह छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल में थोड़ा अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं तो इसी प्रकार की गलती आपके एग्जाम में हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए टाइमर लगा दूंगा, 20 सेकेंड का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा एक क्वेश्चन में, आप लोग रेडी रहिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही आप लोग आगे क्वेश्चन आएगा, आपका टाइमर जो है वो 20 सेकेंड का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर बना लिया है तो सही है, अगर नहीं बना है तो आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट धीरे 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 वो एवरेज हो जाएगा और 20 सेकंड के अंदर आप बनाने लगेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन थ्री है, ठीक है, यानी कि इसका आउटपुट जो है ये बड़ा वाला स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये बड़ा वाला स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन दे देना चाहता हूँ, कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है आरएसबी एनटीपीसी को लेके, और उनको लग रहा है कि थोड़ा भी लैग कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोस्तों, जिसमें कि पांचों का पांचों पार्ट कवर रहेगा। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और फोनपे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके आप आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको जैसे ही मिल जाएगा, इस साइट पे जाना है आपको और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको 50 टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली रेलवे के पैटर्न पे बनाया गया है। तो जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लगता है कि हम थोड़ा पीछे हैं, तो वो लोग आराम से ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपने आप को बेहतरीन पोजीशन पे ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन फोर, यानी कि यहाँ पे आउटपुट जो है बड़ा वाला सर्कल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट।
टाइम ओवर। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन टू, यानी कि यहाँ पे आउटपुट में शेडेड वाला सर्कल आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। तो इसका आउटपुट हमारा क्या है, ऑप्शन टू, यानी कि यहाँ पे सर्कल आएगा बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, यानी कि छोटो वाला सर्कल जो है, छोटा वाला सर्कल वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर, इसका हमारा आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर हमारा ऑप्शन फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुरू शुरू में देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर लग रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बट जब आप दोबारा बनाएंगे तो एग्जैक्टली 20 सेकेंड के अंदर आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए जितना से ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक वीडियो को दो बार चार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेनली प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कोई दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं। इसीलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर हमारा ऑप्शन थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन थ्री, यानी कि शेडेड वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ओवर, इसका आंसर हमारा ऑप्शन फोर होगा। ठीक है, छोटा वाला शेडेड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर हमारा ऑप्शन फाइव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम स्टार्ट।
टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन टू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन टू होगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर, इसका आंसर हमारा ऑप्शन थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन फोर होगा। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारा आरआरबी एनटीपीसी साइको का टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको बेसिकली कांटेक्ट करना है और सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बेसिकली फोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इस आईडी साइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाए, 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन फोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और टाइमर आपका स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर, हमारा आंसर इसका ऑप्शन थ्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन फाइव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइम ओवर हो चुका है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन थ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन टू है। नेक्स्ट,
टाइम ओवर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम ओवर, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3, ये छोटा वाला डार्क शेडेड वाला सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक बार अपडेट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन लोगों को खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमारा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को, ओ इस सेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे वो कवर हो चुके हैं। और अब जो है आपको बता देना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनलिटी टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट पर आपको डेली कोई ना कोई वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलते रहेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और आप टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, आप परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।